एक बार एक शहर में बद्री नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ज्योतिष का ज्ञाता था। वह लोगों का भविष्य देखता था और बताता था कि उनके भविष्य में या भाग्य में क्या लिखा है। उसी शहर में एक अमीर चंद नाम का बहुत अमीर सेठ रहता था। बद्री की प्रसिद्धि सुनकर एक दिन सेठ अमीर चंद बद्री के घर जाते हैं। बद्री के बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिष हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता देते हैं। सेठ अमीर चंद जब बद्री से मिलने उनके घर गए तब अपने साथ धन की पोटली लेकर गए ताकि वो बद्री को भेंट स्वरूप धन दे सके। बद्री ने सेठ अमीर चंद का अपने घर में स्वागत किया। चलते समय सेठ ने बद्री को भेंट स्वरूप धन की थैली देनी चाहिए, परंतु ज्योतिष बद्री ने यह कहकर धन लेने से मना कर दिया कि वह अपने भाग्य का खाते हैं और सेठ की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। सेठ ने कहा, इससे क्या तात्पर्य है? तब बद्री ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सब सुनकर सेठ को क्रोध आ गया। तब सेठ ने कहा, अगर आप किसी का हाथ देखकर यह बताएं कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब, मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। तब बद्री ने सेठ से कहा, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं अभी उसका भविष्य बताए देता हूँ। सेठ के साथ उसका एक नौकर आया था जो सेठ के यहाँ खेतों में काम करता था। सेठ ने अपने नौकर चरण को ज्योतिष बद्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्योतिष बद्री ने सेठ के नौकर का माथा ध्यान से देखा और फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और कुटिया के बीच रहने की आदत है और वही रहेगा। हैरान होते हुए सेठ ने ज्योतिष बद्री से कहा, आप ठीक कहते हैं, यह नौजवान मेरे घर के खेतों में काम करता है, लेकिन मैं एक वर्ष के भीतर इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। सेठ का घमंड देखकर ज्योतिष बद्री ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए। और सेठ ज्योतिष बद्री के घर से चले जाते हैं। सेठ ने अगले ही दिन अपने नौकर चरण को बुलाया और कहा, चरण, पास ही के गांव में मेरे एक मित्र सेठ रतन रहते हैं, उनको ये पत्र दे देना और मेरा नाम लेकर कहना, ये पत्र सेठ अमीर चंद ने भिजवाया है। फिर यात्रा के लिए सेठ अमीर चंद ने अपने नौकर चरण को कुछ धन देकर विदा कर दिया। ये बात सुनकर सेठ के नौकर चरण का मुंह लटक गया और वह पत्र लेकर सेठ के मित्र के पास ना जाकर अपने कुटिया में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, यहाँ तो खेत की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन सेठ की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह सेठ जी का पत्र उनके मित्र को देने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलते चलते वह बहुत थक गया। धूप के कारण गर्मी भी बढ़ने लगी थी, इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। वह अपने साथ लाया गया भोजन एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसे अपना एक मित्र मिला जो खेती ही करता था। चरण ने अपनी परेशानी अपने मित्र नमन को बताई। ये बात सुनकर नमन हंसते हुए कहता है, इसमें परेशानी की क्या बात है, सेठ जी के काम से जाओगे तो खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यूं मुंह न लटकाता। अपने मित्र नमन की बात सुनकर चरण का चेहरा खिल उठता है। फिर खुश होकर नमन से कहता है, ठीक है भाई नमन, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यही आराम करके वापिस चला जाऊंगा। नमन ने भी खुशी खुशी यह पत्र ले लिया और सोचने लगा कि वहां जाकर मेरी खूब आवभगत होगी। फिर अगले दिन नमन सेठ रतन के गांव में पहुंच गया और वहां सूचना भिजवाई कि सेठ अमीर चंद का सेवक आया है। नमन की वहां सोचे अनुसार बहुत आवभगत हुई। उसे वहां रहने के लिए
एक आलीशान कमरा और खाने के लिए तरह तरह के पकवान दिए गए। जब नमन ने सेठ रतन को पत्र दिया तो सेठ रतन ने वो पत्र खोला। उस पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत ही योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने गांव में इसकी इच्छा अनुसार 200 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना देना। यह मेरे पुत्र समान है। तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापिस आने पर मैं भी इसे अपने गांव में 500 एकड़ जमीन इनाम में दे दूंगा। सेठ रतन को लगा कि वह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री का विवाह नमन से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी चरण थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। अगले ही दिन तक वह सोता रहा। फिर अगली सुबह सेठ अमीर चंद के खेतों में जाकर पानी देने लगा। सुबह जब सेठ ने चरण को अपने खेतों में देखा तो चरण से पत्र के बारे में पूछा। चरण ने डरते हुए सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसे ज्योतिष बद्री की भविष्यवाणी की याद आई। लेकिन सेठ हार मानने वालों में से नहीं था और सोचा कि भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर कोशिश करेगा। सेठ अमीर चंद सोचने लगा कि कैसे चरण को अमीर बनाया जाए। 3-4 दिन बाद चरण सेठ का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े पपीते तोड़कर लाया और सेठ से बोला, सरकार, अब की बार खेत में बड़े बड़े पपीते उगे हैं और पपीतों की फसल बहुत अच्छी हुई है। सेठ बहुत खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने दूसरे नौकर श्याम से कुछ इशारा किया। श्यामू ने सभी पपीते को काटकर अंदर से उसमें हीरे जवाहरात भर दिए और जो के त्यो पपीते को चिपका दिया गया। सेठ ने चरण को पपीते की टोकरी देते हुए कहा, चरण, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये पपीते तुम इनाम स्वरूप घर ले जा सकते हो। ये बात सुनकर चरण का चेहरा फिर से लटक गया और वह सोचने लगा कि सेठ ने इनाम भी दिया तो क्या दिया। तभी उसका एक रिश्तेदार भीखू मिला। भीखू ने कहा, क्यों भाई, चरण पपीते की टोकरी लिए मुंह लटकाकर कहां जा रहे हो। चरण ने कहा, क्या करूं भीखू भाई, बात ही कुछ ऐसी है। आज सेठ जी मुझसे बहुत खुश हो गए और इनाम में ये पपीते थमा दिए। भला ये पपीते भी इनाम में देने की चीज है? मैं इसे किन्हें खिलाऊंगा? पपीते तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। भीखू बोला, उदास क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही होता है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। चरण ने पपीते भीखू को पकड़ाते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम ही ले लो यह पपीते। और पपीते देकर चरण अपनी कुटिया में आ गया। अगले दिन सेठ ने चरण का वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों चरण, तुमने पपीते नहीं खाए क्या? चरण ने सेठ जी को सारी बात बता दी कि उसने वो पपीते अपने रिश्तेदार भीखू को दे दिए। सेठ को चरण पर बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन चरण ने भीखू को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चरण ने अचानक धनी बनने का राज भीखू से पूछा तो भीखू ने उसे पपीते का किस्सा कह सुनाया। ये सुनकर चरण हाथ मलता रह गया। तभी उसने देखा किसी साहूकार के बारात जा रही है। उसके पास जाकर पता किया तो पता लगा कि वह साहूकार कोई और नहीं उसका ही मित्र नमन था। उसे पत्र की सच्चाई का पता लगा, लेकिन चरण अब कुछ नहीं कर सकता था। सेठ ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिष ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है तो वह गरीब ही रहेगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।